दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 18 अप्रैल 2020 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। कल के प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो हमको सबसे पहले देखना है खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल यानी जो बरसात के पहले बोई जाती है वो है मक्का। इसमें से तो मक्का को छोड़कर सारी इसमें खरीफ फसलें नहीं हैं। तो यानी कि वीट और मस्टर्ड दोनों ही खरीफ फसल नहीं है। ए और सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न दो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है। तो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो आर्थिक सहायता पैकेज था वही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जन्म संस्थान हैं। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जन्म हुआ है। तो विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर के निर्माण में किसका योगदान है। गुरु अर्जुन देव ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसका सौंदर्यीकरण करवाया था 19वीं शताब्दी में। तो हमने देखा था, इस कल डिस्कस किया था। तो डी विकल्प यानी कि एक व दो दोनों सही जाता है। आज हम आगे बढ़ते हैं आगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। इसमें सबसे पहली खबर है पोस्ट लॉकडाउन इंडियाज इन्फेक्शन ग्रोथ रेट है स्लो डाउन। लॉकडाउन के पश्चात इंडिया की जो इन्फेक्शन रेट है वो गिर गई है बता रहे हैं। जैसे कि पहले तीसरे दिन केसेस डबल हो जाते थे, लेकिन अभी लगभग 6.5 दिनों में दो गुने केस हो आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 केस था तो पहले तीसरे दिन ही 200 केस हो जाता था, यानी दो गुना गति तीसरे दिन पा जाता था, जबकि अब 6.5 दिन लग रहे हैं। यानी कि हमने लॉकडाउन का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है हमें। अगला खबर है, वुहान एडमिट्स टू एरर, हाइक्स टोल बाई 50%। वुहान जो चाइना का एक राज्य है उसने बताया है। उसमें देखिए दो विभिन्न आंकड़े आए हैं। जो वहाँ का मेडिकल रिपोर्ट है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, एपिडेमिक कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, वो कह रहा है 1290 डेथ हुई हैं शहर में। और जो सिटी गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है केवल 325 नए केसेज आए हैं। तो ये एक विरोधाभास है कि यानी 325 केस आए हैं फिर भी 1290 डेथ हो चुकी हैं। तो इसलिए डाटा जो है वहाँ का जो छिपाया जा रहा है, जो चाइना की आदत रही है, उसमें फिर से एक पर्दाफाश हुआ है। अगला खबर है, RBI टू पंप इन ₹1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ रुपए RBI इकोनॉमी में पंप करेगी, अर्थव्यवस्था में पंप करेगी। देखिए दो माध्यम से पंप करेगी, 50,000 करोड़ बोल रही है बैंकों के माध्यम से NBFCs को देगी, और जो शेष 50,000 करोड़ होंगी वो रिफाइनेंसिंग एजेंसीज जैसे नाबार्ड, SIDBI, नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से देगी। तो उद्देश्य इसका क्या है कि अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा पैसा डाल दिया जाए ताकि लोगों के पास पैसा पहुँचे और आर्थिक गतिविधियाँ शामिल रहें। लोगों की जेब में पैसा रहे, उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें पहुँचें, वो लोन ले सकें, अपने काम को जारी रख सकें, अर्थव्यवस्था ठप ना हो। अब इसमें हमको दो चीज़ देखना है, NBFCs क्या है। तो NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी कंपनी जो नॉन बैंकिंग यानी बैंकों का काम नहीं करती हैं फिर भी वित्त संबंधी ऐसे काम करती हैं जो बैंकों का काम नहीं है। तो हमको देखना है बैंक और NBFC में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट मतलब जमा करना, यानी कि हम जो जमा करते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जो जमा करने के बाद जब हमारी डिमांड हो तब मिल जाए। जैसे कि हम बैंकों में अगर बचत खाते में जमा करते हैं तो जब हम चाहें उसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए आज जमा किए हमको कल आवश्यकता कल निकाल सकते हैं। लेकिन NBFCs बैंकों की तरह ऐसे डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट NBFC नहीं ले सकती हैं। अगला अंतर क्या है बैंकों में और NBFC में, NBFC पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है। यानी जैसे बैंक हैं वो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का काम करती हैं, ये NBFCs नहीं हैं ऐसे। और इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं पाई जाती है बैंकों की तरह। यानी कि जैसे बैंकों में प्रावधान है, अगर कोई भी खाता धारक है और बैंक डूब जाती है, बैंक चली जाती है, बैंक फ्रॉड करती है, बैंक भाग जाती है, तो उसका न्यूनतम कुछ अमाउंट RBI इसको देगी। जैसे ये पहले 1,00,000 रुपये था, लेकिन अब 5,00,000 रुपये प्रति अकाउंट है, यानी हर अकाउंट होल्डर को 5,00,000 रुपये मिलेगा इनकेस अगर बैंक बंद हो जाती है, बैंक भाग जाती है तब भी। ये था NBFC। अब दूसरा चीज़ देखा था, जो शेष 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट RBI ने रिफाइनेंसिंग एजेंसीज को देने की बात की थी। तो हम देखेंगे रिफाइनेंसिंग एजेंसीज क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होगा फाइनेंस क्या होता है। देखिए ये एक बैंक है, फाइनेंस मतलब पैसा प्रोवाइड कराना। तो ये सभी ग्राहकों को, आम जनता को फाइनेंस कर रही है ये। लेकिन रिफाइनेंस क्या है, जैसे RBI है या कोई भी और अकाउंट, मान लीजिए ये कोई दूसरी संस्था है, तो जो इसको फिनांस करेगी यानी इसको भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो इसको, ये जनता को फिनांस कर रही है, मेन स्ट्रीम में फिनांस कर रही है, इसको जो फिनांस करेगी इसको रीफिनांसिंग बोलते हैं। यानी कि
जो फाइनेंस कर रहा है उसको कोई दूसरा फाइनेंस करने वाला है, तो इस गतिविधि को रिफाइनेंसिंग बोलते हैं। तो 50,000 करोड़ इसके माध्यम से देगी, और 50,000 करोड़ आपको जैसे पता है वो NBFCs के माध्यम से RBI पास करेगी। अगली खबर देखेंगे हम, ये लोकल खबर है। अगली खबर, पुलिस ऑफिसर्स फेलिसिटेटेड इन मुरादाबाद। मुरादाबाद जैसे हमको पता है कि किस तरह पुलिस ऑफिसर ऊपर आक्रमण हुआ था, लोग हमला कर रहे थे, तो उसके जवाब में ही वहाँ के जो लोकल समुदाय था उन्होंने फूलों की बारिश की है और अपना उसमें आस्था जताई है। तो ये बड़ा एक अच्छा पहल है ताकि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हौसला बढ़ेगा। अगली खबर, रेन फोरकास्ट मेक्स फार्मर्स अ वरीड अलॉट। जो रेन की जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग है, यानी कि जो रेन की पहले से सूचना दिया है IMD ने, तो इससे थोड़ा सा फार्म किसानों को चिंता है। चिंता किस बात की, देखिए अभी वो अपनी फसल काट भी नहीं चुके हैं और उसके बाद फिर बता दिया IMD ने कि जो बारिश होगी वो समय पर ही होगी, तो इसलिए जब फसल अगर खड़ी रह गई और बारिश आ गई तो उनको थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगली खबर हम देखेंगे, RBI पैकेजेस फॉर स्टेट्स इनएडिक्वेट। केरला कह रहा है जो RBI पैकेज है वो राज्यों के लिए पर्याप्त नहीं है। ये थोड़ा सा लोकल खबर, उनका व्यू है। न्यू इंडिजिनस किट में सून एक्सेलरेट टेस्टिंग। जो नई हमारी देसी किट है जो हमारे यहाँ डेवलप होगी वो टेस्टिंग उससे पड़ सकता है। अब देखेंगे किट कहाँ डेवलप हुई है, ये केरला का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेबोरेटरी है केरला में, वहाँ पर डेवलप हुई है। तो इस ये बता रहे हैं कि इससे लगभग 15 गुना स्पीड बढ़ जाएगी और इसका दाम भी कम हो जाएगा। तो देखिए क्या है कैसे, अच्छा टेस्टिंग प्रोसीजर हम देखेंगे। तो जो कोरोना है, कोई वायरस है, कोरोना का विशेष उदाहरण लेते हैं, तो जो ये होता है RNA वायरस है। RNA मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो RNA वायरस को सबसे पहले क्या किया जाता है, DNA में बदला जाता है और फिर DNA को मैग्नीफाई किया जाता है, उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा बढ़ा ली जाती है। जब मात्रा बढ़ जाएगी तो हमको टेस्ट करने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले RNA रहता है, फिर उसको DNA में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको DNA को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर जब मात्रा उसकी बढ़ जाती है तो हम केमिकल प्रूफ्स यानी कुछ केमिकल्स डाल के जो टारगेट जीन्स होती हैं, यानी जो DNA में जो टारगेट जीन्स रहेंगे, जो उसकी स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिटी रहेगी वायरस को, उसको हम पहचानने का प्रयास करेंगे। अगर वो केमिकल प्रूफ्स ऐसे रहेगा तो अपना कुछ रिएक्शन, कुछ अपना इंडिकेशन देगा, तो अगर वो है तो इसका मतलब है वो वायरस उसमें है, इसी से कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव पता चलता है। अगली खबर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विल एड टू रिलीफ फंड्स। तो जो एक वाइल्ड केरला का एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उसने एक निर्णय लिया है कि जो हम फोटोग्राफी के तहत जो भी हमने अपनी फ़ोटो वो की है तो उसको ई ऑक्शन कराएंगे, ऑनलाइन ऑक्शन कराएंगे, और जो भी पैसा आएगा वो हम रिलीफ फंड में देंगे। ये एडिटोरियल है। और अगला खबर आपका, IAF अटैक चॉपर लैंड्स इन पंजाब फील्ड। इंडियन एयरफोर्स का जो अटैक चॉपर है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स का, तो ये कुछ त्रुटियां आने की वजह से इसमें पंजाब के एक फील्ड में लैंड किया गया था। हमको यहाँ पे न्यूज़ जो हमारे काम की है वो कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ये कहाँ से हमने इंपोर्ट किया है, ये USA से हमने इंपोर्ट किया और हाल ही में अभी इंपोर्ट किया है, तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हमने USA से इंपोर्ट किया है। हाँ, अगली खबर देखिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन एग्जेम्पशन लिस्ट। अब देखें ना आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हिंदी में कहते हैं लघु वन उपज। देखिए एक स्कीम चलाई गई थी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम, इसके तहत क्या है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की मदद से चलाई गई थी स्कीम, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। स्कीम में क्या था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था कुछ वस्तुओं के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। अब हमको जानना है लघु वन उपज का उदाहरण क्या है, जैसे वन में पाने वाले छोटे उपज, यानी कि जैसे बम्बू हो गया आपका, हनी हो गया, इमली हो गई, तुलसी हो गई, चिरैता हो गया, आंवला हो गया, महुआ हो गया, बेल हो गया, ये सब चीज़ें, यानी तो ये क्या होता है जो वहाँ पे वनवासी वहाँ के जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनका विशेष कोई आर्थिक सहायता तो होती नहीं, तो इन्हीं चीज़ों को बेच के अपना जीवन यापन करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम, इसी के तहत जो है इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था कि इनको विक्रय के लिए कम से कम इतने मूल्य पर बेचा जाए ताकि उनको आर्थिक सहायता प्रदान हो। तो वही खबर यहाँ पे ये है कि जो लघु वन उपज है उनको एग्जेम्पशन लिस्ट में रखा गया है, यानी कि ऐसे काम, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनका आर्थिक
सहायता उनको मिलती रहे, वो अपना धंधा कर सकें इस चीज़ में, इसलिए इसको किया गया। और रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि हमारे ह्यूमन एचआरडी मिनिस्टर हैं, मानव विकास संसाधन मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि जो क्वार्टरली फीस लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वो जैसे 3 महीने का 4 महीने का एक साथ फीस लेते हैं, उसके बजाय वो प्रतिमाह फीस लें। अगर कोई गार्जियन नहीं दे पा रहा है तो उसको वो भी कंसिडर करें, यानी कि समस्या सब लोग मिलकर सुझाएँ, दबाव ना बनाएँ। अब अगली न्यूज है, पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग टेरर से आर्मी चीफ हमारे जो कौन है वो जनरल मनोज नरवणे, ये इस समय 2 दिन की कश्मीर यात्रा पे हैं। तो इन्होंने बताया कि जो है जब विश्व पूरा COVID-19 से लड़ रहा है उस समय पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक बड़ी चिंता की विषय है, गैर मानवीय हरकत है। अगली खबर हम देखेंगे, देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू छपा हुआ है, इसमें जैसे बताया गया है कैसे आपने, इसे रिपोर्टर ने पूछा है कैसे आपने कंट्रोल किया, कैसे चीज़ें आप कैसे लड़ रहे हैं, तो उसमें हम कुछ प्रश्न उत्तरों को इनमें डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें पूछा गया था आगरा मॉडल के बारे में, तो इन्होंने बताया कि आगरा में जो केसेस बढ़ रहे थे हॉटस्पॉट एरिया, उनको कैसे किया था इन्होंने कि 3 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन, यानी जहाँ पे कोई केसेस पाए गए ज़्यादा संख्या में उनको 3 किलोमीटर को पूरा कंटेन कर लिया गया, यानी उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। और उसके बाद 5 किलोमीटर का बफर जोन, यानी कि 3 और 5 यानी 8 किलोमीटर की दूरी को पूरा गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर करना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद इन्होंने बताया कि माइग्रेंट्स वर्कर्स को भी उन्होंने विशेष व्यवस्था की, जैसे जो भी जो बाहर रह रहे हैं उनके सहायता के लिए कोई आना चाहा तो उसको भी प्रदेश में वापस लाए हैं। और बताया कि जैसे जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रंटलाइन वर्कर जो भी अटैक हो रहे हैं उनके खिलाफ वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन्होंने लागू किया है, यानी कोई भी ऐसा बिल्कुल भी ढिलाई मंजूर नहीं होगी। जो भी इस कोरोना से लड़ने में इस समय आप अड़चन लाएगा, जो भी इस महामारी को फैलने में सहायता करेगा, उसे NSA एक्ट के तहत वो लागू कर उनको कर देंगे। और एक निर्णय और है, यूपी बसेस टू शिफ्ट स्टूडेंट्स स्टक इन कोटा, कोटा में जो यूपी के छात्र हैं वो लगभग 200 बसें जाएंगी और उनको लेकर आएंगी। अच्छा देखिए इसमें फिर चिंता की बात है, क्या 200 बसें आएंगी तो फिर कोरोना फैलने का समस्या नहीं होगा? तो इसमें एक अच्छी पहल ये भी है कि एक बस में केवल 25 छात्र ही लाए जाएंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको लाया जाएगा। स्क्रीन रोहिंग्याज फॉर COVID-19 MHA टू स्टेट्स, रोहिंग्या को COVID-19 टेस्टिंग के लिए भी उनकी टेस्टिंग की जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने राज्यों को सूचना जारी की है। अब रोहिंग्यास कौन है? रोहिंग्यास जो रखाइन राज्य है एक म्यांमार का, वहाँ के निवासी हैं। 2016-17 में वहाँ पर हिंसा हुई थी जिसके तहत इनको वहाँ देश छोड़कर भागना पड़ा था। ये अभी जो है भारत के विभिन्न राज्यों में, बांग्लादेश में यहाँ कुछ शरण लिए हुए हैं। तो ये चूँकि मुख्यतः मुस्लिम वर्ग से समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इनमें से कुछ ने तबलीगी जमात भी जो है की बैठक भी में भी शामिल हुए थे, तो इसलिए सेंसिटिव हैं ये थोड़ा कोरोना पॉजिटिव से, तो इनको जो गृह मंत्रालय है उसने टेस्टिंग के लिए निर्देश जारी किया गया है। गिव ₹35,000 टू पीएम केयर्स फॉर बेल हाईकोर्ट, उड़ीसा के एक हाईकोर्ट ने ₹35,000 का जमानत बोला है कि एक व्यक्ति थे उनको ₹35,000 जमानत के रूप में पीएम केयर्स फंड में डालने के लिए बोला है। तो बड़ी अच्छी पहल है ये, सुप्रीम कोर्ट देखिए जुडिशरी कैसे अपना कोऑपरेट कर रही है। डिफेंस मेडिकल कॉर्प्स टू ज्वाइन फाइट, जो अब जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होंगे वो भी सिविलियंस की सेवा के लिए इसमें शामिल हो गए, यानी मेडिकल जो आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो भी सिविलियंस को, डिफेंस के जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो भी आर्मी सिविलियंस को कोऑपरेट करेंगे। किसान रथ विथ विल लिंक फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, किसान रथ देखिए ये हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने किसान रथ लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, 5 लाख ट्रकें और 20,000 ट्रैक्टर्स होंगे कि जो भी किसान हमारे अपनी फसलों को बेचना चाहते हैं लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते इस समय साधनों की उपलब्धता नहीं हो रही है, तो उनको ट्रक हो गई, ट्रैक्टर हो गए, इनको सबको उपलब्ध करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, उसमें सभी ट्रक्स और ट्रैक्टर्स रजिस्टर रहेंगे, जिनको भी इनको आवश्यकता है वो कॉन्टैक्ट करें और इससे ट्रकों किराए पर लेके उनका काम चलता रहे ताकि एग्रीकल्चर गतिविधि में कोई भी रुकावट ना आए। अगली खबर देखिए, इसमें फिर केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी का वो है आर्टिकल आया है, इसमें इन्होंने जैसे बात की है कि हमने सबसे पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड किया। जैसे देखिए केरला में आप देख रहे होंगे कि इस समय जितने केसेज उससे ज़्यादा रिकवरी हो गई है, यानी कि वो एक अच्छे संकेत हैं कि रिकवर करने के लिए। तो इन्होंने इनसे पूछा जा रहा है कैसे आपने ऐसे किया, ये आपका कैसे, इसका क्या परिणाम हुआ।
तो इन्होंने बताया कि सबसे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने डिपेंड ध्यान दिया, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इससे इन्होंने खूब खर्च किया है। और कंस्ट्रक्शन जो भी माइग्रेंट्स वर्कर्स फंसे हुए हैं उनके लिए अब देखिए लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी परमिट करने जा रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। और केंद्र सरकार का जो पैकेज आया है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत कम है पैकेज, इनको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और GST की जो पे आउट है, स्टेट्स का जो शेयर था, हिस्सा था GST में, वो लेट पे करने पर भी इन्होंने गवर्नमेंट की आलोचना की है। और जो MPLATS स्कीम हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLATS स्कीम, इसके सस्पेंशन का भी उन्होंने आलोचना की है और बोला है कि स्टेट्स को और थोड़ा सा मतलब लोन रेज करने के लिए छूट दी जाए। जैसे हम जानते हैं फिनेंशियल FRBM एक्ट के तहत जो है स्टेट्स को 3% लोन ही अपने ग्रॉस स्टेट GDP का 3% लोन ही वो उठा सकते हैं, तो उसको बोला है और छूट दी जाए। तो ये थी थोड़ा सा हम अर्थशास्त्र से देखेंगे। इंडिया इजेस पैरासीटामॉल एक्सपोर्ट कब्स, यानी अब इंडिया का जो पैरासीटामॉल दवा है वो एक्सपोर्ट कर सकती है, हटा दिया गया रिस्ट्रिक्शन जो था। मोरेटोरियम पीरियड विल नॉट काउंट फॉर NPA पर्पस, RBI। अब हमको देखना है इसमें देखिए खबर क्या है। खबर बोल रहे हैं जो RBI ने अभी जारी किया था कि 3 महीने के लिए जो भी है लोन लेने वाले, ऋण लेने वाले हैं, उन व्यक्तियों को 3 महीने के लिए इंस्टॉलमेंट जमा करने पर छूट दी जाए। तो ये कह रहे हैं कि जो 3 महीने का जो छूट है इसमें NPA नहीं काउंट होगा। हमको सबसे पहले जानना होगा NPA क्या होता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसी एसेट, ऐसी संपत्ति जो कोई हमको लाभ ना दे रही हो, वर्तमान में उसमें लाभ ना दे रही हो। जैसे मान लीजिए कोई लोन है, वो लोन हमें ब्याज नहीं दे रहा है, वो लोन हमारा बेकार हो गया, हमारा पैसा फंस गया जिसको बोलते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम थोड़ा सा, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने लोन लिया है बैंक से 100 करोड़ रुपए का, तो वो कंपनी ना पैसा लौटा, मूलधन लौटा रही है, ना ही वो ब्याज लौटा रही है। तो वो पैसा 100 करोड़ रुपए जिस बैंक ने दिया है उसके लिए वो NPA हो गया है। तो हमको यहाँ पर देखना है NPA कितने दिन में होता है। मान लीजिए आज 0 डे यानी फर्स्ट डे पर लोन दिया गया है, अगर अगले 90 दिनों के लिए ना उस पर कोई पैसा लौटाया जाता है, ना ही ब्याज लौटाया जाता है, यानी कि जो जिसने लोन लिया है वो कोई पैसा नहीं दे रहा है। मान लीजिए एक बैंक है SBI से किसी ने लोन लिया है विजय माल्या ने, और उन्होंने 90 दिन तक लोन का एक भी रुपये नहीं वापस किया है, तो वो NPA हो जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, यानी उस पर बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये NPA था आपका। अब RBI मेजर्स टू बेनिफिट रियल्टी, RBI ने देखिए एक निर्णय और लिया, रिवर्स रेपो रेट को घटाया है 25 बेसिस पॉइंट, यानी 0.25% रिवर्स रेपो रेट घटा दी है। अब रिवर्स रेपो रेट कितनी हो गई है, 3.75%, और रेपो रेट हमारी क्या है, 4.4%। अब हमको देखना है रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, यानी कि हमारे केस में RBI अन्य बैंकों को ऋण देती है, वो रेपो रेट है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, वह दर जिससे RBI अन्य बैंकों से पैसा लेती है। तो रेपो दर हमारी यहाँ पे 4.4% वर्तमान में, रिवर्स रेपो दर 3.75% है। तो यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं हम, न्यूज़ ये कह रही है कि रिवर्स रेपो रेट जो RBI ने 0.25% घटाई है, यानी रिवर्स रेपो रेट मतलब जो बैंकों से पैसा लेगी तो RBI, तो उसकी दर घटा दी है, यानी कि अगर 100 रुपये देंगे बैंक RBI को, तो अब 3.75 रुपये ही RBI इनको वापस देगी। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा अर्थव्यवस्था को, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए, बैंक हैं, RBI को 3.75% ही उनको ब्याज देंगी अगर वो बैंक RBI के पास जमा करें, और जबकि अगर वो 100 रुपये किसी मार्केट में किसी को देंगे बैंक, तो 8% 9% लगभग ब्याज पाएंगे। तो सोचिए आप ही बैंक क्या करेंगे, 100 रुपये पे 3.5 रुपये कमाएंगी या फिर 8-9 रुपये कमाएंगी, तो उनको ज़्यादा ब्याज कहाँ पे मिलेगा, मार्केट मिलेगा। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट घटाने से, यानी कि मतलब क्या हुआ, अगर बैंक अपना पैसा RBI में जमा करती हैं तो अब 3.75% ही रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उनको कहा जा रहा है कि भाई अगर हमारे पास आओगे तो हम कम तुमको फ़ायदा देंगे, कम ब्याज देंगे। तो बैंकें क्या करेंगी, ज़्यादातर मार्केट में देंगी, मतलब आम आदमियों को लोन मिलेगा, जो जरूरतमंदों को लोन मिलेगा, इससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित होगी यानी कि बढ़ेगी। तो एक अच्छा संकेत है। ई कॉमर्स फर्म्स टू स्केल अप पोस्ट April 20, जो नया लॉकडाउन का जो रूल्स आए हैं उसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब डिलीवरी स्टार्ट कर सकती हैं अगर राज्य चाहें तो। ये था
इकोनॉमिक सेक्शन। तो ये थी हमारी न्यूज़ आज की, और इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य, पहला विकल्प से छोटे किसानों को लोन देना, बी बड़े किसानों को लोन देना, सी कृषि कार्य में लोन देने वाली कंपनियों को लोन देना, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से आयात किया है? ए यूएसए, बी रसिया, सी फ्रांस, डी इज़राइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रोहिंग्या किस देश के मूल निवासी हैं? ए दक्षिण अफ्रीका, बी मलेशिया, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ऋण को एनपीए घोषित करने की न्यूनतम समय सीमा कितनी है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, रेपो दर वह है जिस दर पर ऑप्शन ए बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देती है, ऑप्शन बी बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेती है, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक अन्य बैंक को ऋण देती है, ऑप्शन डी अन्य बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देती हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और इसके जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। आपके जवाबों का जो सही जवाब होंगे उनको हम कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में फिर से पुनः डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।